हाय एवरीवन तो मैं विशाखा जैन आपको देने वाली हूँ आज एक मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस उसका रिव्यू तो मूवी का नाम जैसे कि आप सब जानते हैं कि मूवी आज रिलीज हुई है शैतान तो मुझे इस मूवी का बहुत ही ज्यादा दिनों से इंतजार था जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था तब से मैं दिन गिन रही थी कि कब आठ तारीख आएगी और मैं कब ये मूवी देख पाऊंगी तो आज मैंने ये मूवी फाइनली देख ली है ये मूवी मुझे बियॉन्ड वर्ड्स लगे मुझे बहुत अच्छी लगी है मैंने अभी तक बॉलीवुड में कोई भी ऐसी थ्रिलर मूवी नहीं देखी थी हॉरर थ्रिलर तो ये मूवी आपको पूरा सेटिस्फाई करेगी आप बेझिझक बेधड़क आप इसकी टिकट लें और ज़रूर जाएं देखने लेकिन हाँ एक रिकमेंडेशन ये है कि छोटे बच्चों को लेके ना जाएं वो डर सकते हैं ये मूवी देखते हुए क्योंकि इसमें साउंड जैसे आते हैं और आप बैठे हुए होते लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है ये सारा कुछ फुल पैसा वसूल फुल फन इंजॉय करोगे आप, आपको एक डर लगेगा थ्रिल रहेगा ये कहानी कहीं और घूम जाती है एंड में जाके जैसा ट्रेलर में देखा था उससे भी ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आने वाला है तो कहानी शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है अजय देवगन की फैमिली से अजय देवगन उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे बेटा और बेटी तो ये लोग जाते हैं वेकेशन पे उनके फार्म हाउस पे रास्ते में गाड़ी रोकते हैं एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए वहां पे आर माधवन मिलता है अजय देवगन जाता है चाय लेने के लिए तो उसके पास खुले पैसे नहीं होते आर माधवन उसके लिए चाय लेके आ जाता है उसके टेबल पे तो अजय देवगन कहता है कि भाई साहब आपने क्यों तकलीफ उठाई बोला कोई बात नहीं आप मेरी चाय एंजॉय कीजिए और मुझे आपकी कंपनी मिल जाएगी तो वो वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं इतने में आर माधवन क्या करता है उसकी बेटी को एक लड्डू खाने के लिए दे देता है जो कि वो खा भी लेती है लड्डू खाते ही उस अजय देवगन की लड़की आर माधवन की सारी बातें मानने लगती है वो कहता है कि ये घी वाला ऑयली पराठा खा जाओ वो खा जाती है पहले वो खा नहीं रही होती वो कहता है पूरी की पूरी पानी की बॉटल पी जाओ वो पी जाती है उसके बाद क्या होता है वो लोग वहां से निकल जाते हैं लड़की को अनकंफर्टेबल महसूस होने लग जाता है वो कहती है डैड चलो यहाँ से तो वो तुरंत निकल जाते हैं वहां से इतने ही जब अजय देवगन कुछ सामान खरीद रहा होता है बेटी गाड़ी में बैठी होती है आर माधवन आता है और उसको एक बिस्किट का पैकेट देता है कि तुम घर पे जाके फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही पहुंचते ही तुम इसे खा लेना तो वो बोल बोलता है यस बोलो वो बोलती है यस वो उसको पकड़ लेती है बिस्किट के पैकेट को और गाड़ी चल देती है उसकी माँ देखती है वो वहां पे खड़ा हुआ है वो आदमी तो वो पूछती है अपनी बेटी से क्या कह रहा था उसने कहा कुछ नहीं माँ बाय कर रहे थे अंकल उसकी माँ को तभी से डाउट होने लग जाता है आर माधवन पे और आर माधवन की जो एक्टिंग है ना इस मूवी में वो ही सचमुच में पैसा वसूल है मतलब उसी को मेन देखने आप जाए जितना वो डराता है ना जिस तरीके से वो बोलता है अपने एक एक वर्ड्स That's beyond, uh, you know, expectation. तो फिर क्या होता है जैसे वो अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं लड़की बिस्किट खा लेती है से पहुंचते ही जैसी गाड़ी रुकती है वो बिस्किट खा लेती है सारी फिर वो जाके वहाँ पे अपना मस्ती मजाक कर रहे होते हैं सारे चारों के चारों अजय देवगन उसकी वाइफ और दोनों बच्चे इतने में आर माधवन उसकी वाइफ को गेट पे खड़े हुए दिखता है तो वो अपने पति से कहती है कि भाई वो आदमी हमारा पीछा करते करते यहाँ तक क्यूँ आ गया है तो वो कहता है कौन सा आदमी वो कहती है जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था इतने में क्या देखते हैं कि उसकी बेटी उसको घर में ले आई अपने पापा से कहती है पापा अंकल बाहर खड़े थे और उनको कुछ काम था तो मैं उन्हें घर में ले आई मैंने सही किया ना तो वो बोलता है हाँ कोई बात नहीं बेटा तो आर माधवन कहता है मुझे अपना फोन रिचार्ज करना है पंद्रह मिनट का टाइम दे दो मैं कर लूंगा तो बोलता है कोई नहीं आप लोग बैठो और हम कपड़े चेंज करके आते हैं तो वो सारे के सारे कपड़े चेंज करने चले जाते हैं तो जैसे ही कपड़े चेंज करने अजय देवगन उसकी वाइफ छोटा बच्चा चला जाता है वो लड़की कपड़े चेंज करके उसके पास आ जाती है दोबारा और वो तो उसके बिस्किट भी खा चुकी लड्डू भी खा चुकी वो जैसे जैसे बोलता है वो वैसे वैसे करने लगती है फिर क्या होता है कि शाम हो जाती है और वो आदमी गया नहीं होता है वो कुछ कहराए करने को लड़की को और वो लड़की करे जा रही है तो उसकी बीवी कहती है इट्स टाइम फॉर हिम टू गो फ्रॉम आर हाउस तो अजय देवगन कहता है कि भाई साहब अब आप जाइए वो बोलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं तो वो थोड़ा शौक में हो जाता है कि क्या बोल रहे हो तुम मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ जाओ हमारे घर से तो उसकी लड़की आती है और अपने पापा को धक्का देती है कि पापा ये कहीं नहीं जाएंगे तो ऐसे वो शौक बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्यों रोक रही है कि फिर वो आर माधवन कहता है कि मैं जो कहूंगा आपकी लड़की वही करेगी क्योंकि ये अब मेरी कठपुतली है तो वो उसको कहता है कि तुम ये खा जाओ वो खा जाती है उसको कहता है कि तुम बैठो उठो बैठो उठो बैठो उठो, उठो उसके बाद आर महात्मन कहता है कि तुम गैस करो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया है गैस करो 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 तो उसकी माँ बोलती है काला जादू बोलते है बहुत नियर हो तुम मैंने क्या है वशीकरण तुम्हारी बेटी अब मेरी कठपुतली है जैसे मैं उस नचाऊंगा वो वैसे नाचेगी वो उससे बोलता है अपने बाप के झापड़ मारो सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है जब वो कहता है कि अपने छोटे भाई का सर लेके फोड़ दो वो इतनी हैवान बन चुकी है कि वो अपने छोटे भाई का सर पकड़ती है और जीने में मार देती है उसका भाई खूनम खून हो जाता है अजय देखभिन अपने बेटे को लेके भागता है कमरे की तरफ और उसका सर पे बांध के सर पकड़ के सर बांधता है मतलब इतना मैस फैल चुका है इनके घर में उसकी माँ एकदम शौक में है वो बस देखे जा रही है क्या हो रहा है आय उसे नचा रहा है इतनी देर तक नचा रहा है कह रहा है मजा नहीं आ रहा और तेज नाचो और तेज नाचो और तेज नाचो उसकी माँ ने एक चलाकी की होती है जब आय माधवन ने कहा होता है कि सारे फोन्स मुझे यहाँ पे लाके दे दो और उसकी बेटी से कहता है सारे फोन्स तोड़ दो तो उसकी माँ ने क्या किया होता है कि अपना एक फोन छिपा के रखा हुआ होता है और उसने एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल उससे लगाए हुए होते हैं पुलिस वालों को तो पुलिस वाले आ जाते हैं इतने में तो पुलिस वाले से गेट नहीं खुल रहा होता पुलिस वाले और उसमें आ जाते हैं कि सच में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो जैसे ही घुसते हैं देखते हैं कि सब नॉर्मली बैठे हुए हैं आर माधवन उसकी वाइफ और अजय देवगन सब बैठे हुए हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे किसी नंबर इस घर के नंबर से कॉल आई है तो क्या हुआ है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डाउट में है वो सारी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कोशिश करते हैं पर सब कुछ नॉर्मल बता के पुलिस वालों को वहाँ से भगा दिया जाता है निकाल दिया जाता है आर माधवन ने उसकी बेटी से बोला हुआ था अगर पुलिस वाले रसोई में आए तो सिलेंडर ऑन करके रखो तुम्हें माचिस जला देनी है और मर जाना है तो वो सिलेंडर के ऊपर बैठी हुई होती है ये सीन जो आपने ट्रेलर में देखा था वो सीन यही है वो सिलेंडर पे बैठी हुई है और माचिस लेके कि अगर कोई भी अगर अंदर आ गया तो मैं ये जला दूंगी उसकी माँ वो फोन लेके जाती है पुलिस वालों के जाने के जाने बाद और वो फोन भी तोड़ दे दिया जाता है अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद ये होता है कि वो लड़की को चाकू दे देता है आर माधवन और बोलता है कि मैं सो रहा हूं कोई भी मेरे पास आएगा तो उसको चाकू भोग देना उसकी माँ अगर उसके पास जाना चाह रही है तो लड़की चाकू के लेके एकदम खड़ी हुई है अजय देवगन नीचे जीने से उतर रहा है सिर्फ उतर ही रहा है आरमाधवन के पास भी नहीं जा रहा है वो लड़की चाकू लेके जैसे एक जीना उतरता है वो चाकू लेके और आगे बढ़ती है आगे बढ़ती है तो वो उतर भी नहीं पाता लेकिन लड़की के मन में भी है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर सकती क्योंकि वो इतने ज्यादा उसके वश में है तो वो क्या करती है वो रोने लगती है लेकिन आगे बढ़ रही है उसकी पूरी बातें फॉलो कर रही है लेकिन रो भी रही है क्योंकि उसको पता है कि ये कुछ गलत है तो वो रो रही है और आगे बढ़ रही है ये करते करते उसका बाथरूम निकल जाता है लड़की का और ये देख के अजय देवगन भागा भागा ऊपर चला जाता है नीचे नहीं आता तो फिर क्या होता है कि उसकी माँ आती है नीचे माधवन पे हमला कर देती है उसकी माँ क्योंकि उसको वो कहता है कि वहीं पे पैंट चेंज करो वो उसको जाने नहीं देता वॉशरूम में कहता है यहीं पे पैंट खोल दो और यहीं चेंज करो तो वो देखती है कि उसकी लड़की कितनी मजबूर है तो वो उस पर हमला कर देती है इतने में अजय देवगन आके अपनी लड़की के हाथ बांध देता है उसको खूब मारते हैं आरमाधवन को उसकी माँ का एक्शन इतना अच्छा दिखाया है वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाह रही है वो खूब उसको काट रही है दांत से मार रही है जितना हो सकता है उतना कर रही है इतने में जब वो बंधी हुई है ना लड़की आर माधवन झट से बोल देता है कि खूब जोर जोर से हंसो इतनी जोर जोर से हंसो जब तक तुम मर ना जाओ अब वो लड़की इतनी तेज तेज, तेज हंसने लगी कि सबके कानों में दर्द हो गया आधा घंटा हो गया एक घंटा हो गया वो हंसे जा रही है हंसते जा रही है तो फिर अजय देवगन को और उसकी माँ को फिकर होती है कि लड़की का क्या होगा वो को तो बहुत हो गया तो वो रुक जाती है एकदम तो फिर वो बोलता है कि वॉट आ लेडी यू आर तुमने तो बहुत उछल कूद करके मेरे को मारा बहुत अच्छा एक्शन कर लेती हो तुम तो पर इसका तुम्हें हामिया तो भुगतना पड़ेगा ना तो अब क्या करना है वो लड़की को कहता है कि ये चाकू लेके जाओ जहां भी तुम्हें तुम्हारा भाई मिले उसको मार दो उसको दर्द से मुक्ति दे दो वो पागलों की तरह उसको ढूंढ रही है अपने भाई को मारने के लिए क्योंकि जो उसने कह दिया उसे वो करना ही है तो वो देख रही है हर जगह हर दरवाजा तोड़ रही है कि कहीं तो मिल जाए और वो उसका भाई सुन रहा होता है ऊपर से वो छुपक जाता है छत पे जाके वो हर कमरा ढूंढ रही है कहीं नहीं मिल रहा तो फिर फाइनली वो छत पे पहुंचती है अजय देवगन और उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागे भागे जाते हैं इतने देखते हैं कि उसने अपने भाई को छत से फेंक दिया यानी कि उसका छोटा भाई मर गया यहाँ पे ये स्टोरी इतनी ज़्यादा खराब लगती है कि पूछो मत कि एक बच्चे को वो खो चुका और एक बच्चे का कुछ पता ही नहीं है कि वो ठीक भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी तो इतने में हम क्या देखते हैं कि उसका लड़का सांस लेने लगा दोबारा खूनम खून होने के बाद भी वो सांस ले रहा है तो फिर इतने में वो बोलते हैं कि अगर आर माधवन बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है तुम अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा सकते हो अगर तुम मुझसे कह दो कि खुशी खुशी मैं अपनी लड़की को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ तो वो बोलता है कि हाँ मैं अपनी लड़की को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ तो वो बोलता है मेरे पीछे रिपीट करो कि मैंने तुम्हें अपनी लड़की दान में दी तो वो दोनों बोल देते हैं रोते रोते इतने में वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं अपने बेटे को ले तो अजय देवगन ने क्या ट्रिक की होती है जब उसकी वाइफ उसको मार रही होती है तो उसके फ़ोन में उसने मैप लगा दिया होता है कि वो जहाँ जहाँ जाएगा उसको पता चलता रहेगा अजय देवगन को तो अजय देवगन उसको ट्रैक करके उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन आर माधवन के गुंडे अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे वो रास्ते में है पूरे रास्ते में है वो तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है बाइक लेके किसी की तो उसके गुंडे उस पर हमला कर देते हैं पर वो उनको मार धाड़ के कैसे भी करके वहाँ उस जगह पहुँच जाता है तो उस जगह आर माधवन क्या कर रहा है वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया पे राज करे अपने काले जादू से उसने सिर्फ अजय देवघन की ही लड़की को नहीं उसने 108 लड़कियों को ऐसे ही कैद में रख रखा है एक लड़की झूला झूले जा रही थी कई दिनों से तो आर माधवन जैसे ही आते बोलता है झूला झूल रही उतर जा जैसी लड़की उतर के चलना चाहती है वो बिल्कुल गिर जाती है और वो रेंग रेंग के चल के उसके वहां जाती है जहाँ वो काला जादू का उसने पूरा सेटअप मचाया हुआ है तो आज वो दिन था जब उसको उस एक सौ आठ लड़कियों की बलि देनी थी और अपनी वो सारी शक्तियाँ लेनी थी तो वो अपना पूरा सेटअप में आता है अपनी ड्रेस पहनता है वो काले जादू वाली ज्वेलरी पहनता है अपने रंग लगाता है उसके बाद वो 108 उसने लकड़ी की गुड़िया भी बनाई हुई होती हैं तो लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दी होती है जो 108 सौ लड़कियाँ हैं कि जब ये लकड़ी की गुड़िया में आग आग का एक बहुत बड़ा सा कुंड बनाया हुआ है कि मैं किक करके आग के कुंड में ये लकड़ियाँ की गुड़िया फेंकता जाऊँगा जब मेरी सारी लकड़ियों की गुड़िया फेंक जाएंगी तो तुम्हें भी आजाद होना है मतलब कि तुम्हें भी उस आग के कुंड में कूदना है और जैसे जैसे एक एक गुड़िया फेंकते जाऊंगा तुम्हें क्लोज आते जाना है क्लोज आते जाना है क्लोज आते जाना है उस कुंड के तो जैसे ही वो एक एक लकड़ी फेंकता जा रहा है ये सारी की सारी लड़कियां क्लोज आती जा रही हैं उस कुंड में गिरने के क्लोज आती जा रही हैं क्लोज आती जा रही हैं है। जब चार पांच ये गुड़ियां बच जाती हैं तब एकदम से दरवाजा खोल के अजय देवगन आता है तो फिर उसके गुंडे उस पर कूद पड़ते हैं तो बोलता है अपने गुंडों से आर खूब तेज हंसता है कि यहाँ तक पहुंच गया कहता है वॉट ग्रेट फादर यू आर यू आर अ फादर ऑफ द ईयर बोलता है इसको इधर लेके आओ फिर बोलता है तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था तो वो क्या करता है उसके ऊपर पैर रखता है सीने पे और फिर लकड़ी की गुड़िया फेंकना शुरू कर देता है तो अजय देवगन क्या करता है जब लास्ट गुड़िया बची होती है तो यहाँ पे ट्विस्ट आता है उसके पास ना एक आग तस्ले में आग जल रही थी लकड़ियाँ जल रही थी वो एक लकड़ी उठाता है और उसके अंदर मारता है आरमाधवन के और एकदम से चक्कू निकालता है और उसकी जीब काट देता है क्योंकि ना ही रहेगी जीब और ना ही ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा इन 108 लड़कियों को जो उसके वशीकरण में है तो उसके बाद जैसे ही वो उसकी जीप काट देता है वो तड़पने लगता है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है वो सामने वाली इन लड़कियों को जो उसकी कठपुतलियां हैं उनको कन्वे ही नहीं कर पा रहा है कि इस आदमी को मारो लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि उसने पहले से बोल के रखा हुआ था इन एक लड़कियों को कि कोई भी मुझे छू दे अगर तो तुम उसे नोच नोच के खा जाना तो ये सारी के सारी लड़कियां अजय देवगन की तरफ भागने लगती हैं उसे नोचने के लिए फिर इतने में क्या होता है कि अजय देवगन एक क्लिप चला देता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ तुम आज से फ्री हो तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो तुम हंस सकती हो उसकी आवाज़ सुनते ही लड़कियाँ रोने लगती हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं अब ये बताओ कि ये आवाज़ उसने कहाँ से ली तो अजय देवगन ने ये आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी जब आर माधवन अजय देवगन की बेटी को यह बोल रहा था कि तुम्हारा बाप चाहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दू तुम आजाद हो जाओ तुम फ्री हो जाओ तुम हंसो तो ये बातें वो उसने रिकॉर्ड करी हुई होती है अपने बेटे के एक डिवाइस में वो उसे सुना देता है सारी लड़कियां पहले जैसी हो जाती हैं सबको उनके घरों पे छोड़ा जाता है जो कई कई दिनों से लापता थी फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि ये चारों के चारों हॉस्पिटल में है उसकी बेटी अजय देवगन क्योंकि उसको भी बहुत मारा होता है उसकी बेटी ने ही उसके चाकू भोंख रखे होते हैं उसका बेटा जो छत से गिरा होता है माँ सब हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पुलिस वाली आती है वो बोलती है कि सारी की सारी लड़कियों को उनके घरों पे छोड़ दिया गया है तो अजय देवगन कहता है कि वो गुंडा मिला इसका मतलब आर माधवन गायब हो चुका है तो अब यहाँ आप क्या सोचेंगे कि इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा क्योंकि यू नेवर नो जो काला जादू करता है वो अपने आप को ठीक भी कर सकता है और वो गायब है तो ऐसा ही हमने सोचा और ऐसा ही होना चाहिए फिर लास्ट में दिखाते हैं कि आर माधवन उसके फार्म हाउस की छत पे बंद है और अजय देवगन उसको इतना तो टॉर्चर कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते उसको खाने को एक केला तक नहीं दिया जा रहा है उसको बस केला दिखाया जा रहा है वो कहता है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है उसे चाहिए उसके सामने मरे हुए चूहे डाले जा रहे हैं खाने के लिए बस वो कहता है कभी भी एक बाप से मैस मत करना उसका बाप अपने बच्चों के लिए भगवान है तू भगवान बनना चाहता था ना दुनिया का पर अपने बच्चों के लिए मैं उनका भगवान हूँ उन्हें कोई भी तकलीफ देगा तो मैं आगे खड़ा हूँ तो ये कहानी थी शैतान की जो कि देख बताने में शायद इतनी इंटरेस्टिंग और थ्रिलर ना लगी हो जितनी देखने में लगती है वन टाइम वॉच तो ज़रूर ही है ये मूवी आप चाहें तो इसको कई बार भी देख सकते हैं क्योंकि थ्रिलर मूवी है आप जितनी बार देखेंगी उतना डर लगता जाएगा उतनी अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर देखें और मैं भी एक न्यू पेरेंट हूँ जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे भी लगा कि भाई मैं तो किसी अनजान को ऐसे नहीं आने देने वाली हूँ पर हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिल के होते हैं अगर किसी ने हमारी मदद करती तो हमें लगता है कि यू आर वेलकम इन आर हाउस है ना तो बस ये है कि अगर ऐसा कर भी रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी भी तो होती है ह्यूमन जेस्टर भी तो होता है पर अपने बच्चों को कभी उसके पास इतना ना जाने दें अकेले कुछ खाने ना दें उसका दिया हुआ इतना तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट देन ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट सो बी केयरफुल प्रोटेक्ट योर चाइल्ड एंड वॉच दिस मूवी थैंक यू बाय बाय